बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 19 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट इस वर्कशीट की 2 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हम मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें बच्चों प्लीज़, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पोएम द काइट, जो हमने लास्ट वर्कशीट में ही पढ़ा था, आज हम उसको आगे पढ़ेंगे। रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द एडजेसेंट साइड टू द कोरस्पोंडिंग स्टेंजा। यू कैन टेक हिंट फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंजा प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे आपको एक पोएम दी गई, उसको आपको पढ़ना है और उसके सामने आपको ब्लैंक दिए गए होंगे, उसको आपको फिल करना है। तो देखते इसको पोएम को। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू विद ए डाइव एंड डीप। तो वही है जो पिछले वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं, बताया गया कि जब एक काइट नई होती है तो वो ब्लू मतलब ब्लू स्काई में वो कितनी चमकीली लगती है, कितनी अच्छी लगती है, चमकदार लगती है, ठीक है। विद ए डाइव एंड डिप, तो वो क्या करती है, वह गोते खाती है और कलाबाजियाँ के साथ अपनी पूंछ को फहराती है। इट्स स्निप्स इट्स टेल, अपनी पूंछ को फहराती है, अपनी पूंछ कैसे फहराना कहते हैं इसको। देन सोर्स लाइक ए शिप, और फिर वो एक डोर की विद ओनली सिल, तब वह किसी डोर की साथ अपने आप को एक शिप की भांति एक आसमान में अपने आप को उठा लेती है, ठीक है, ऊपर उड़ जाती है, वह एक शिप की तरह अपने आप को आसमान में उठा लेती है, ठीक है। एज ओवर टाइड और विंड इट राइड्स क्लाइम ऑन द क्रेस्ट, तो जैसे कि जो शिप होती है वो क्या करती है, पानी में क्रेस्ट के ऊपर चढ़ती, क्रेस्ट के सबसे टॉप का पैट क्रेस्ट पे चढ़ती है और चढ़ती जाती है। तो इसी प्रकार जो पतंग होती है वो भी क्या करती है, हवा में और विंग इट, ये हवा में क्या करती है, राइड करती है, सवारी करती है। और इसी तरह जैसे जो शिप होती है वो भी शिप की तरह वो भी जो है पतंग वो भी क्रेस्ट पर चढ़ जाती है, मतलब बहुत ऊंचाई तक पतंग चली जाती है बच्चों, ये इस पैराग्राफ का मतलब है, ठीक है। तो इसमें क्या कंपेरिजन किया गया, इसका एक शिप के साथ कंपेरिजन किया गया है। तो आगे इसमें हम क्वेश्चन करते हैं इसी पैराग्राफ के पहले, इसी को जो हमने एक्सप्लेन किया वो दोबारा से एक्सप्लेन किया हुआ है। ए न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप एंड डाइव, जो नई काइट होती है वो स्काई में बहुत चमकदार लगती है जब वो गोते खाती है और फहराती है, ठीक है, गोते कलाबाजी करती है। इट पुल्स स्ट्रिंग एंड फ्लाई लाइक ए शिप ऑन द वेव, ये अपनी जो धागा होता है उसको खींचती है और हवा में एक जलपोत की भांति तैरती है। द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई, और जो हवा होती है वो उसकी मदद करती है कि वो सबसे ऊपर जाए, मतलब सवारी करे और आसमान में सबसे ऊंचा पहुंच जाए, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू द, दो जो ब्लू है इसका मतलब क्या है हमारे पास, द रेफर टू द ब्लू स्काई बच्चों, ठीक है, स्काई के बारे में बात की है। टाइड्स ऑफ विंड मीन्स द डैश विंड करंट्स या फिर सेलिंग शिप, तो टाइड्स ऑफ विंड का मतलब क्या है, जो हवा में उफान आते हैं, जैसे कभी हवा तेज चले कभी कम चले, तो उसको बोलते हैं विंड करंट बच्चों, ठीक है। तो विंड करंट के बारे में बात की गई है। थर्ड द क्रेस्ट मीन्स द काइट रीचेस द टॉप, क्रेस्ट क्या होता है, सबसे टॉप का पॉइंट मैंने भी बताया था, तो इसको बोलते हैं टॉप। द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट्स डैश ओल्ड या न्यू, तो इसका आंसर क्या बच्चा, न्यू, क्योंकि इसमें न्यू के बारे में बात की गई तो न्यू आएगा। इन द स्काई द काइट सोर लाइक ए डैश, जो आसमान में जो काइट होती है किसकी तरह गराती है, वो एक शिप की भांति गराती है, तो शिप आएगा इसमें। द डैश शिप या विंड हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप, तो काइट को सबसे ऊपर पहुंचाने में कौन मदद करता है, विंड मदद करती है, ठीक है, तो विंड आएगा इसका आंसर। तो इसको आप ब्लैंक में फिल भी कर लेना, मैं टिक लगाई है, तो ये स्काई हो जाएगा इसका, इसका विंड करंट लिख देंगे, इसका टॉप न्यू और इसका हो गया टॉप, ठीक है, सभी आप ब्लैंक को फिल कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ अपना। ऑफ ए गस्ट एंड पुल देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक इट विंड इट्स बैक एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लो एंड इट्स विंग फिल एंड अप इट गोज, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, तो इसमें बताया गया है जिस प्रकार ऑफ ए गस्ट एंड पुल देन सीम्स टू रेस्ट, तो इसमें कहा गया है कि जब जिस प्रकार पतंग भी हवा की तेज झोंकों पर सवार होकर आगे की ओर खींचती है, जब तक पवन थम जाता है तो पवन पतंग भी जैसे विश्राम कर लेती है। तो पतंग क्या, गस्ट एंड पुल मतलब ऊंचे जो पतंग है वो ऊंचाई तक बढ़ती चली जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल, जब हवा जो है
कम हो जाती है तो पतंग क्या आराम करती हुई दिखती है हमें, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि जो पतंग होती है वो हवा के साथ साथ आगे बढ़ती है। When string goes slack, you wind it back. जब पता क्या है, जब पतंग थोड़ी ढीली हो जाती है, नहीं आगे बढ़ती, तो आप क्या करते हैं उसको अपने जो जिसमें धागा बंद होता है उसको आप दोबारा से बांधना स्टार्ट कर देते हैं। एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रिज ब्लो, और आप उसको तब तक बांधते हैं जब तक कि कोई नई हवा बहनी, मतलब जब तक आप पीछे पीछे उस पतंग के दौड़ते, मतलब उसको क्या करते हैं कोशिश करते कि उठ जाए, और आप उसको जब तक दौड़ाते हैं तब तक कि नई हवा बहनी स्टार्ट ना हो जाए। एंड इट्स विंग फील, जब उसकी जो पंख है वो हवा से भर जाए तो वो फिर से अपनी अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हवा के साथ पतंग का रिलेशन बताइए, जैसे पतंग हवा स्लो होती है तो पतंग भी क्या स्लो हो जाती है, जैसे वो बढ़ती है तो वो अपने पंख फैला के और ऊंची उड़ जाती है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या है द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स, इसका मीनिंग सेम वही है जो अभी बताया हमने, जो काइट है वो टॉप पे रेस्ट करती है जबकि आकाश में जो है हवा जो है वो स्लो हो जाती है, फिर कम हो जाती है। यू विन बैक द स्ट्रिंग, तो आप क्या करेंगे जो धागा होगा आप उसको बांधना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो जो है जो पतंग है वो एक जगह रुक सी जाती है। व्हेन ए न्यू विंड ब्लो, जैसे नई हवा बहती है यू अनविंड इट अगेन, तो आप उसको फिर से धागे खोलना स्टार्ट कर देते हैं। द न्यू विंड फिल्स द विंग्स ऑफ ए काइट, क्योंकि जो नई हवा होती है वो पतंग की जो विंग्स होती है उसको हवा से भर देती है। एंड इट गोज अप अगेन, और फिर से वो ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ जाती है बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन से इसके, द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट इट इज समवर्ट स्टिल इन द स्काई, सीम्स टू रेस्ट का मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं आकाश में आराम कर रही है, वो रुक जाती है। ठीक है, स्काई की बात हो रही है, वाटर तो था ही नहीं कहीं यहाँ पे। सेकेंड है यू विन द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज डैश, आप धागे को बांधना स्टार्ट करते हैं जब ये स्लिक हो जाती है, मतलब ये थोड़े कमजोर हो जाती है। ठीक है, हवा में क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो इसका आंसर है स्लैक। द काइट इज फिल्ड विद न्यू डैश व्हेन द न्यू विंड ब्लो, जैसे नई हवा चलती है तो क्या हो जाती है काइट विद ए न्यू ब्रीज, जैसे नई हवा बहनी स्टार्ट कर देती है तो क्या होगी विंड क्या भर जाती है। एंड गिव्स इट डैश टू फ्लाई, और अपने जो विंग्स होते हैं उसको वो भी फ्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे विंग्स। ठीक है, जो उसके पंख होते हैं वो उड़ना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप ये सारे ब्लैंक्स इसमें भर लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, ये वही लाइन है कि जब कोई काइट नहीं होती है तो वो नीले आसमान में बहुत ही चमकदार लगती है। बट ए रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी, लेकिन एक जो बहुत ही बुरे लगने वाली जो चीज़ होती है, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। बट ए रेगुलर थिंग क्या होती है, बहुत ही बुरा लगने वाली, बदहाल जिसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो बहुत ही बुरे लगने वाली चीज़ क्या होती है, जो आप कभी देखना पसंद नहीं करेंगे, व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री, जब कोई पतंग जब टूट जाती है तो उसके जो जो धागे के साथ वो ट्री के टॉप पर फड़फड़ाती रहती है, फ्लैप मतलब फड़फड़ाना। ठीक है, तो वो ट्री के टॉप पे जब वो फड़फड़ाती रहती है वो बहुत ही बदहाल या बहुत ही बुरे लगने वाली चीज़ होती है बच्चों। तो ये एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं यहाँ पे, ए न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई, जो नई काइट होती है वो ब्लू स्काई पे बहुत ही चमकदार लगती है। बट एन अगली थिंग यू विल सी इज वेल ए काइट गेट स्टक ऑन द ट्री, बट एक वो बहुत बुरी चीज़ जो आप देखते हो, जब जो काइट है वो किसी ट्री पर चिपक जाती है, उसमें फंस जाती है। देयर इट फ्लटर टाइट टू ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, और वो एक धागे की साथ बंधी हुई आपस में एक तड़पती सी रहती है। ठीक है, क्योंकि वो बाहर भी नहीं निकल पाती है ना ही वो उड़ पाती है। ठीक है, तो ये क्या है, वो तड़पती सी रहती है। तो देखिए इसके, द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ इट, किसके टॉप पे स्ट्रगल करती है बच्चों, वो ट्री के, तो आंसर आएगा इसका ट्री। द अपोजिट ऑफ ए टॉप इज, अपोजिट क्या होता है टॉप का, बॉटम। ठीक है बच्चों, जो आप पैराग्राफ पढ़े उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं बच्चों। तो ये हमारा हो गया तीनों पार्ट, तीनों पैराग्राफ के हमने फिर नेक्स्ट फिल कर दिए। अब हम देखते हैं, नाउ लेट्स कलर द पिक्चर बिलो एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडिंग द स्टेटमेंट, तो हमें इसको कलर करना है और हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए, द काइट इज ब्लू, तो आप यहाँ पे काइट पे कौन सा कलर करेंगे, ब्लू कलर कर देंगे। द गर्ल हैज ब्लैक हेयर, इसके आप ब्लैक कर देंगे आप हेयर, या आपको कलर खुद ही करना है। द गर्ल इज वेयरिंग रेड शर्ट एंड येलो टॉप, येलो रेड शर्ट स्कर्ट, रेड स्कर्ट है इसकी, ठीक है, और येलो टोपी, इसका आप येलो कर देंगे। द टेल ऑफ ए काइट इज ग्रीन, इसको आप ग्रीन करेंगे, ये ग्रीन।
टेल पूछ होती है। द गर्ल इज वीरिंग ब्राउन शूज, और इसके शूज को आप ब्राउन कर देंगे। तो इस प्रकार आप बहुत अच्छे से कलर करके अपना वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों आपको ये वर्कशीट, बहुत ईजी थी। तो बच्चों अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लाइक करना। और कमेंट करके बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी, समझ में आई, कैसी लगी आप। और बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों, और शेयर करना भी ना भूलें अपने क्लास के बच्चों को भी। ये वीडियो अपने क्लास के बच्चों तक पहुँचाएं बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।